एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फ्लाई रिव्यू सेंटर। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल्स चालू हो चुकी हैं और मैंने एक बड़ा बॉक्स जो कि हेडफोन्स का था वो ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है और आप डेफिनेटली वीडियो देख चुके होंगे। तो कुछ और जो मैंने ऑर्डर किए थे प्रोडक्ट्स वो और आ चुके हैं और आज जिस चीज़ का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है एक लिपस्टिक ब्रांड का। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। सो ये है हमारा पहला प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स से। तो चलिए पहले इसको अनपैक करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें से हमारे लिए क्या निकल रहा है। तो मैंने ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं शुगर के लिपस्टिक्स मैंने ऑर्डर किए हैं, ये एक कॉम्बो है। तो इसका बॉक्स मुझे इस तरीके से प्रॉपर पैकिंग में मिला है, इसके ऊपर ऑफकोर्स अमेज़ॉन का पैकिंग का बबल रैप है उसके बाद में, और बबल रैप के अंदर हमको मिलता है ये बॉक्स। देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली बॉक्स जो है मिलता है, तो मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही छोटे से हैंडी से हमको ये लिपस्टिक चार जो है वो मिल रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं इसको फटाफट से अनपैक कर लेती हूँ और बताती हूँ आपको इसके अंदर कौन कौन से कलर्स मुझे मिले हैं। तो आप देख सकते हैं ये चार लिपस्टिक्स जो है ये हमको मिले हैं। मैं आपको क्विकली इसके शेड्स बता देती हूँ। इसके अंदर मुझे एक मिला है पीच कलर, एक मिला है पॉनी ग्रीनी, देन अनादर इज़ वुड बाय नूड, और एक है टैन पैन। तो ये जो है ये चार शेड्स मुझे मिले हैं। अब मैं क्विकली इसके डिटेल्स बता देती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही आप देख सकते हैं ये कितना प्रॉपरली जो है ये है हमारा पहला शेड, ये देखिए ये है हमारा दूसरा शेड, दूसरा शेड, तीसरा शेड, और ये है हमारा फोर्थ शेड। तो ये देखिए ये हमारे टोटल चार शेड्स हैं जो हमें इस बॉक्स में मिले। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमको शुगर का लिपस्टिक मिला है इसका साइज़ कितना है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट इतने छोटे हैं। सो कैरी करने के लिए अगर आप देखें तो वो बहुत ही ईजी है, आप चारों शेड अगर चाहें तो चारों शेड एक साथ कैरी कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स जो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी, आप अगर पहले शुगर के लिपस्टिक्स यूज़ कर चुके हैं तो डेफ़िनेटली आपको पता होगा, बट अगर आप ये पहली बार परचेस कर रहे हैं तो बिकॉज़ ये मैट होने की वजह से थोड़ा सा आपका लिप्स जो है वो ड्राई फील कर सकता है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें तो प्लीज़ लिप बाम के साथ में यूज़ कीजिए। अगर आप प्राइमर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी लिप बाम जो है वो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ लिप्स जो हैं वो थोड़े से ड्राई हो सकते हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप शुगर के मैट लिपस्टिक्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज इनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, मैट है। अगर आप इसको ग्लॉसी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ग्लॉसी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो ये ग्लॉसी दिखने लगेगा, और अगर आप लिप बाम भी लगा रहे हैं तो भी ये थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट देगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी मॉइस्चर वाले जो है जस्ट हर्ब्स के लिपस्टिक उसका रिव्यू कर चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है वो आई बटन पे आपको अवेलेबल है। तो अगर आप मॉइस्चर वाले चाहते हैं, क्रीमी लिपस्टिक्स चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप मैट लवर हैं तो डेफिनेटली आप शुगर के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा, ये प्रोडक्ट के अलावा, मैंने एक और प्रोडक्ट ऑर्डर किया है जो कि शुगर का ही लिपस्टिक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है हमारा दूसरा लिपस्टिक, अभी जो मैंने आपको बताया वो मैट लिक्विड लिपस्टिक है। ये भी जो है ये आपको कैरी करने के लिए काफ़ी ईजी है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से पेंसिल की तरह है, तो आप देखिए बहुत ही प्रॉपर पैकिंग किया हुआ है। इसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके का है। सो जब भी आपके पास में लाइन करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, लिप लाइनर्स अवेलेबल नहीं है, या अगर आप लिपस्टिक क्रेयॉन्स यूज़ करते हैं उसकी जगह पर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका आपको शेड दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का शेड आएगा। ये जो है ये मैट ही है, बट अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने जो इसके पहले लिक्विड वाले बताए उसके कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा उससे ज़्यादा क्रीमी है। बट हाँ, जब भी आप इसको लगाएंगे तो डेफिनेटली इसके साथ में भी आप लिप बाम प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज लिप्स जो हैं वो थोड़े ड्राई हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैट लवर हैं और आप कोई और शुगर ब्रांड के अलावा देखना चाहते हैं, तो मैंने रीनी का भी ऑलरेडी रिव्यू जो है वो किया हुआ है, जो अगेन आई बटन पे अवेलेबल है, जहाँ पर रीनी और जस्ट हर्ब्स के लिपस्टिक है, आप वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छे रहेंगे। जितने भी कलर मुझे अभी शुगर के मिले हैं यहाँ पर, अभी जो मैंने मंगवाए थे कॉम्बो में, वो सभी हमारे रेगुलर रूटीन के कलर्स हैं। आप 9 to 5 यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में ऑफकोर्स पार्टी में हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्रेस और हमारी कलर चॉइस को लेकर, बट अगर आप डेली रूटीन में भी यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बोले कि मेरा इसके बारे में क्या राय है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप इन्हें डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ये जो बॉक्स है आप इसको सिंगल सिंगल गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पूरा का पूरा बॉक्स भी जो है वो किसी को गिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसका पैकिंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आपको इसको कुछ और ज़्यादा पैकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली ऐसा का ऐसा बॉक्स जो है वो किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है और आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी लिपस्टिक की बात, बट मैंने ऑर्डर किया था इसलिए मैं आपको ये एक बोनस प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो मैंने ऑर्डर किया है अगेन अमेज़ॉन से, जो है द फेस शॉप के फेस मास्क। सो बेसिकली ये मास्क जो है मैंने ये कॉम्बो में ऑर्डर किया है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मुझे टोटल 10 मास्क मिले हैं। सो अभी जो है हम डेली रूटीन में ये मास्क नॉर्मली यूज़ करते हैं छुट्टी वाले दिन, तो आप भी जो है ये एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए इतने सारे जो है इसके अंदर ये अवेलेबल हैं। सो ये जो है ये एक बोनस प्रोडक्ट है, और इसे मास्क जो है वो हम रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं नॉर्मली, थोड़ा रिलैक्स के लिए या फिर मॉइस्चर के लिए। हम रेगुलरली अगर फेशियल वगैरह नहीं भी करवाते हैं तो हम वीकली जो है ये मास्क डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा कि इनमें से कोई प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली ऑर्डर कर लें अभी इस सेल में, ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो आपको काफ़ी बजट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कैसे ख़रीद सकते हैं और इनके प्राइसेस क्या हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो आप किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। तो ये आप अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं, मैंने भी ये अमेज़ॉन से परचेस किए हैं, जो अभी अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है 10 अक्टूबर तक, मैंने ये उससे परचेस किया है। तो बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर। ये जो लिपस्टिक है वो मैंने परचेस किया है 629 रुपीज़ का।
ये कॉम्बो जो है शुगर का वो मैंने परचेस किया है 799 रुपीज़ का, और ये जो कॉम्बो है 10 फेस मास्क का वो मैंने परचेस किया है 500 रुपीज़ का, जो कि एक्चुअल प्राइस 1000 है। तो अगर आप देखें हिसाब भी लगाएं तो जो नॉर्मली आपको 100 रुपीज़ का पड़ता है वो अभी आपको 50 रुपीज़ का पड़ता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही बजट प्रोडक्ट्स हैं, सेल में डेफिनेटली आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और ऑफकोर्स शुगर है ब्रांड है तो क्वालिटी वाइज आपको पता है अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं पता है तो शुगर इज़ अ ब्रांड जो कि आपको अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा आज का रिव्यू जो कि हमने प्रोडक्ट परचेस किए थे अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से। मेरी कुछ और प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी हूँ जो कि शिपिंग में है, इसके पहले भी मैं ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स का जो है रिव्यू कर चुकी हूँ, तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि कार्ट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक्स भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ताकि आपको परचेसिंग के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा अब आप हमको फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका आईडी है लेट्स फ्लाई रिव्यू सेंटर। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।